एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आईटी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टैली ईआरपी 9 के अंदर कोई सामान हमें जब परचेस करना है तो उसे परचेस कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे अगले वीडियो का अपडेट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे टैली ईआरपी 9 स्टार्ट हो गया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि कैसे हम लोग कंपनीज को क्रिएट करते हैं और लेजर्स को कैसे क्रिएट करते हैं और इन्वेंटरीज को कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सब हम लोगों ने अपनी कंपनीज में क्रिएट कर लिया था। अब क्रिएट करने के बाद किसी भी अगर कंपनी को प्रॉफिट अर्न करना है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि सेल और परचेस करना पड़ता है, ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं। ट्रांजेक्शन नहीं होंगे तो प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सेल और परचेस करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कंपनी जीसी प्राइवेट लिमिटेड है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन से, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं। अब हमारी कंपनी नई है तो कंपनी नई होने के साथ साथ हमारे पास कोई भी सामान भी नहीं है, तो सामान को क्या करना पड़ेगा, सप्लायर से परचेस करना पड़ेगा। अब सप्लायर से परचेस करना पड़ेगा मीन्स की सप्लायर से परचेस करना पड़ेगा इट मीन्स क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे देखने पड़ेंगे कि अगर हमारे पास कैपिटल है कि नहीं। इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही जब लेजर बनाया था यहाँ पे, तो लेजर में जब ही बैंक अकाउंट बनाया था तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे हम लोग ने डेबिट बैलेंस डाल दिया था ताकि हम लोग कोई भी सामान परचेस करे तो हमारा जो अकाउंट है वो नेगेटिव बैलेंस में ना जाए। तो देख सकते हैं अभी बैलेंस है यहाँ पे इतना। अब क्या करते हैं, परचेस करते हैं। परचेस करते हैं यहाँ पे। परचेस करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे कुछ स्ट्रिप दी हुई है। स्ट्रिप्स में कुछ अलग अलग वाउचर्स के फंक्शन फीस दिए हुए हैं। अगर वाउचर का आपको डेट चेंज करना है तो आप F2 करके चेंजेस भी कर सकते हो। फिलहाल हम लोग को परचेस करना है। परचेस करने के लिए यहाँ पे दिया है F9 बटन प्रेस करने के लिए। F9 ही नहीं, आप माउस के बटन से भी क्लिक करके वो वाउचर ओपन कर सकते हो। तो F9 बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हो परचेस का इनवॉइस मतलब वाउचर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है नंबर वन मीन्स क्या है कि ये एक्चुअली एक टाइप का सीरियल नंबर होता है। अब जितनी बार भी परचेस की एंट्री करोगे यहाँ पे तो नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 वो कंटिन्यू एक ही करके आगे बढ़ते रहेगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पे सप्लायर इन्वॉइस नंबर। अभी हो सके कि टैली आपने अभी इंस्टॉल किया हो लेकिन सप्लायर के साथ बहुत पहले से ही आपका ट्रांजेक्शन हो रहा हो तो इनवॉइस नंबर उसका अलग हो सकता है, तो आप इनवॉइस नंबर भी डाल सकते हो। देन उसके बाद आता है यहाँ पे डेट जो है वहाँ पे डिफॉल्ट आपका जो आज कंपनी में जो डेट रहता है वही डेट वो डिफॉल्ट ले लेगा यहाँ पे 1 अप्रैल 2020। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पार्टी नेम मीन्स क्या है कि हम लोग को परचेज किससे करना है, सप्लायर से। सप्लायर ही एक्चुअली हम लोग को सब बेचता है। हम लोग कस्टमर से कभी कुछ चीज परचेस नहीं करते हैं, हमेशा सप्लायर मतलब जो हम लोग को माल सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, हम लोग उसी से परचेस करते हैं। तो सप्लायर्स पे जाते हैं यहाँ पे। कुछ सप्लायर्स की डिटेल है यहाँ पे, अगर आपको फिल करना है तो कर सकते हैं। देन यहाँ पे परचेस लेजर पूछ रहा है। परचेस हम लोग ने परचेस का लेजर बनाया था और सेल्स का लेजर बनाया था, बिना ये बनाए हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। तो परचेस और सेल्स आपको कंपलसरी ये बनाना ही है लेजर्स के अंदर। तो यहाँ पे परचेस हम लोग ने बना लिया है। फिर यहाँ पे आप जो देख रहे हो ब्लैक डॉट वो है नेम ऑफ आइटम के नीचे। इट मीन्स क्या है कि मुझे इस समय कौन सा आइटम परचेस करना है। तो आप जैसे ही स्पेस बटन प्रेस करोगे साइड में यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम ओपन हो जाएगा। अब मुझे जो भी चीजें परचेस करनी है वो मैं परचेस कर सकता हूँ। जैसे कि ये मैंने टेबल ले लिया, अब मुझे क्या करना है, टेबल 300 परचेस करना है और हर एक टेबल की कीमत जो है वो है 500 पर। अब देख सकते हो यहाँ पे क्वांटिटी के नीचे मैंने 300 डाल दिया है और रेट पर के नीचे मैंने 500, मतलब एक टेबल की जो कीमत है वो 500 है। तो 500 को वो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो जैसे ही आप 500 डाल के एंटर करोगे यहाँ पे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। ओके, देन एंटर करके यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 500 एंटर करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंटर प्रेस करना है। अगर आपको और भी कुछ सामान परचेस करना है तो आप जस्ट इसके नीचे स्पेस एक बार और प्रेस करके यहाँ पे और भी ऑप्शन से एक साथ ले सकते हो। अगर नहीं लेना है तो आप एंड ऑफ लिस्ट के साथ जा सकते हो। एंड ऑफ लिस्ट मतलब मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं खरीदना है, हमें आगे बढ़ना है। तो आप जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे नरेशन आएगा। नरेशन में आप लिख सकते हो बींग परचेस, फर्नीचर या फिर सप्लायर। ठीक, तो आप कुछ इस तरह से नरेशन दे सकते हो। नरेशन देने के बाद आपको क्या करना है, एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है।
तो अब देख सकते हो आपने परचेस कर लिया है। अब देखोगे कहाँ कि हम लोग ने इसको परचेस कहाँ किया है, मैंने टेबल परचेस किया है तो कहीं तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि मेरे पास कौन सा स्टॉक कहाँ पे है। तो आप उस चीज को क्या कर सकते हो, रिपोर्ट्स के अंदर जाके देख सकते हो। रिपोर्ट्स क्या होता है, हम लोग जो ऊपर ट्रांजेक्शन करने वाले, ऊपर जो भी सारी चीजें, ऊपर जो ऑप्शन है उसमें जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो उसकी जो रिपोर्ट्स है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। हम लोग को इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी चीजें होती है ना ऊपर ट्रांजेक्शन करते रहते हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो चीजें जनरेट होती रहती है। तो देखते हैं कि अब वो टेबल गया कहाँ होगा। टेबल एक्चुअली एक टाइप का स्टॉक हो गया हमारा। तो स्टॉक समरी में आप जाकर देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ है। फर्नीचर जो उसकी वैल्यू कितनी है, 1,50,000। एंटर करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप टेबल लिखा हुआ है। टेबल जो है 300 है यहाँ पे, और पर जो हर एक टेबल की जो वैल्यू दी है यहाँ पे 500 है, और टोटल वैल्यू हो गई यहाँ पे 1,50,000। तो एंटर करके आप और भी डिटेल में जा सकते हो। यहाँ पे अप्रैल के मंथ में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनवर्ट लिखा है और आउटवर्ड लिखा है। इनवर्ट मतलब अभी मैंने बस उसको परचेस किया है, जब मैं उसको सेल करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आउटवर्ड में भी चला जाएगा। मतलब कि मैंने 300 क्वांटिटी खरीदी है जिसकी वैल्यू इतनी है, अगर मैंने 200 क्वांटिटी बेच दी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी बहुत सारे और जगह है जहाँ पे आप इस चीज को फाइंड करते हो, जैसे कि डिस्प्ले में जाके आप डे बुक में भी देख सकते हो कि आपने क्या चीजें परचेस किया है। तो डिस्प्ले में एक्चुअली डे बुक होता क्या है कि आपके जो भी वाउचर्स के ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो कंटिन्यूली रिकॉर्ड होते रहते हैं। मतलब एक दिन में आप जो चीजें मतलब जो चीजें ट्रांजेक्शन कर सको वो सारी चीजें क्या होती है, वो डे बुक के अंदर रिकॉर्ड होती रहती है। तो आप चाहे परचेस करोगे, सेल्स करोगे, पेमेंट करोगे, रिसिप्ट दोगे, तो सारी चीजें क्या होगी इसके अंदर रिकॉर्ड होती रहेगी। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे परचेस का क्या क्या है, एक वाउचर बना है तो वो चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाने लगेगी। और एक ऑप्शन है कि आप अकाउंट्स बुक के अंदर भी जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे परचेज रजिस्टर्स दिख रहा है आपको, तो परचेज रजिस्टर्स के अंदर जैसे ही आप एंट्री करोगे तो जितने भी आपने परचेज किए ना सारे के सारे यहाँ पे शो करेंगे। तो अप्रैल के अंदर यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे एक मैंने परचेज किया है, वाउचर नंबर यहाँ पे दिया है 1, और फिर जो भी अमाउंट है उसका, तो आप इस चीज को जाके ऐसे देख सकते हो। अगर आपको ये एंट्री डिलीट करी है, मान लीजिए कि कुछ ट्रांजेक्शन करने में गलती हो गया, आपने कुछ अमाउंट इधर उधर कर दिया है, तो आप उस चीज को डिलीट भी कर सकते हो। डे बुक में जाना है सिंपली उसके ऊपर और अल्ट डी प्रेस कर देना है, तो ऑटोमेटिकली डिलीट करने के लिए पूछेगा। आप डिलीट करना है तो आप यस करके डिलीट कर सकते हो। तो फिलहाल परचेज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।